हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हम लोग केवल 3 रुपए के एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसा वक्त जब मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है, बड़े से बड़े दिग्गज भी धराशाही हो रहे हैं, तो मैं इस वक्त में आपको एक पैनी स्टॉक सजेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हम इस वक्त देखेंगे तो आप किसी भी काउंटर को उठा कर देख लीजिए, बड़े से बड़े काउंटर में आपको 10-20-50 रुपये का फॉल इन अ सिंगल डे देखने को ईजीली मिल जाएगा। बट चूंकि 3 रुपए का स्टॉक है, तो डेफिनेट सी बात है कि 3 रुपए का स्टॉक एक दिन में जीरो नहीं होगा। ओके, ये स्टॉक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इस स्टॉक के अंदर मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स मुझे स्ट्रॉन्गर नज़र आते हैं। और जल्दी में अगर आप बात करें कि मीडियम टर्म में ही ये स्टॉक आपके पैसे को दोगुना कर देता है, अगर आपका आपका पैसा अगले 1 साल में भी दोगुना हो जाता है, सो डेफिनेटली इससे अच्छा बेहतर स्टॉक कोई और नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप किसी भी सर्टेनिटी के लिए आप ये मत सोचिए, एक्सपेक्ट मत करिए, गारंटी है किसी भी चीज़ की। बिकॉज पीछे कुछ समय में हमने देखा DHFL, इन्फीवीम, PC ज्वेलर, वक्रांगी और इतने तमाम शेयरों के अलावा बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप के स्टॉक्स थे जो कि देखते ही देखते स्मॉल कैप में कन्वर्ट हो गए। 70-90% पैसा इन्वेस्टर्स का डूब गया। तो क्या 600 रुपये के स्टॉक को 60 रुपये तक इंतज़ार करना बेहतर है, या 3 रुपये के एक स्टॉक को हम खरीद सकते हैं जिसमें कि स्टॉप लॉस केवल 1 रुपये का है, यानी कि अगर हम 3 रुपये के लेवल पर खरीदते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 2.30 रुपये का रहेगा इस स्टॉक के अंदर। और ये स्टॉक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है। नंबर्स क्वार्टरली अगर मैं बात करूंगा तो शानदार नंबर पोस्ट किए हैं और एनुअल नंबर भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर पोस्ट किए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टॉक के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कहां पर हम लोग पोजीशन को बना सकते हैं। सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, BSE इंडेक्स है, केवल BSE में लिस्टेड ये स्क्रिप्ट है। इसका जो BSE का कोड है 530185 है, NSE में ट्रेड नहीं करता, लो वॉल्यूम रहेगा बिकॉज BSE में लो वॉल्यूम स्टॉक्स ही होते हैं, लगभग 271,000 का वॉल्यूम है। आज एक अपर सर्किट हिट हुआ है, लगभग 54 पैसे का अपर सर्किट हिट मारा है 20% का, और अभी भी स्टिल 132,485 जो क्वांटिटीज हैं वो स्टिल बाइंग जोन में पड़ी हैं। ओके, 52 वीक लो 2.30 रुपीज़, 52 वीक हाई 7.47 रुपीज़। तो इस स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होगा, आपका एग्जिट स्टॉप लॉस होगा, वो भी 52 वीक लो ही रहेगा, यानी 2.30 रुपीज़ का आप इसमें एग्जिट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 7 रुपीज़ इन द नेक्स्ट 6-12 मंथ के अंदर, यानी कि 6-12 महीने के अंदर आपका पैसा यहां से कम दुगना बहुत आसानी से होने की पूरी संभावना है। टेक्सटाइल स्प्रिंग कॉटन ब्लेंडेड सेक्टर में लिस्टेड स्टॉक है, 71.95 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, बुक वैल्यू लगभग 4.65 है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू का भी डिस्काउंटेड प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है 0.70, ठीक है, 0.70% पे चल रहा है ये स्टॉक, अपने बुक वैल्यू से भी डिस्काउंटेड लगभग 0.30% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको स्टॉक के अंदर फिलहाल। इंडस्ट्री भी 11.61 है, जबकि स्टॉक की जो PE है वो लगभग 8 के आसपास है। आप डिलीवरेबल देखेंगे, लगभग 70% के स्टॉक के डिलीवरेबल हैं, फेस वैल्यू स्टॉक का 1 है इस स्टॉक का। इसके अलावा अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाता हूं तो वो भी मुझे काफ़ी शानदार लगी, प्रोमोटर्स का स्टेक 75%, और ये एक बहुत ही एनकरेजिंग बात है इस स्टॉक के साथ कि प्रमोटर्स ने लगभग 75% स्टेक को ओन किया हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह ने भी 5-5.5% का स्टेक ओन किया हुआ है। और जस्ट अ मोमेंट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल्स का स्टेक जो है लगभग 16.81% का है और एनी अदर्स लगभग 2.96%। ओके, सो ये जो अमेजिंग चीज़ है वो है जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लगभग 75% जो कि मैक्सिमम लिमिट है शेयर होल्डिंग की, उसको ओन किया हुआ है। पब्लिक होल्डिंग्स में अगर हम देखेंगे कौन कौन इसमें निवेश किए हुए हैं, तो पब्लिक होल्डिंग्स में IDBI बैंक का लगभग 5.25%, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिकली IDBI बैंक ने ओन किया हुआ है इस कंपनी के अंदर जो कि सूरत टेक्सटाइल है। साथ ही साथ अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो मुझे काफ़ी इंक्रेजिंग फाइनेंशियल्स लगते हैं इसके। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये एक बहुत बढ़िया बात है, किसी भी कंपनी के लिए डेट फ्री होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है।
और आप देखेंगे कंपनी लगभग 1.51 करोड़ का ओनली इसमें डेट है, जबकि जो नेटवर्थ है और रिजर्व्स है वो 112.8986 करोड़ का रिजर्व्स नेटवर्थ और रिजर्व्स है इस कंपनी का। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट लगभग 44 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, जो कि 2014 में केवल 13 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट था, यानी कि लगभग लगभग 3.5 times जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ कर लिया है कंपनी ने। बुक वैल्यू भी 3.5 से बढ़ के 5 पहुंच गई, यानी कि कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से आप देखेंगे कि जो ग्रोथ रेशियो है वो कंटिन्यूसली नज़र आ रहा है कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी, आपको बैलेंस शीट में भी। इसके अलावा एनुअल नंबर्स की अगर बात करते हैं तो जो कंपनी का जो नेट सेल्स है वो आप देखेंगे केवल एक 3.24 रुपये का स्टॉक है, 3.24 रुपये का एक स्टॉक है जिसका नेट सेल्स जो है वो 200 करोड़ रुपए का। यानी कि मेन चीज़ होती है, देखिए प्रॉफिट मार्जिन टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं, कभी रॉ मटेरियल सस्ता मिला देन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गए, कभी डिमांड्स बढ़ गई तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं। सेल्स मेन चीज़ होती है, सेल्स कंटिन्यूसली अपसाइड में ट्रेंड रहना चाहिए और पिछले 5 सालों में हाईएस्ट सेल्स है 2018 के अंदर 200 करोड़ रुपए की। मार्च 14 में 181 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 15 में 127 करोड़, मार्च 16 में 117 करोड़, मार्च 17 में 138 करोड़ एंड मार्च 18 में 200 करोड़ की नेट सेल्स रही है कंपनी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा आपको पीवीटी की, तो पीवीटी जहाँ पर मार्च 14 में केवल 1.70 करोड़ था इस कंपनी का, वहीं पर अब पिछले 5 सालों में ये प्रॉफिट बढ़ के 15 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कि 2 करोड़ से 15 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच गया है स्टॉक का। बेसिक ईपीएस 0.05 से 0.37 हो गया, बेसिक ईपीएस 0.05 से 0.37 पहुंच चुका है। ये एक आप देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ को इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही क्वार्टरली नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्वार्टरली नंबर भी देख के बहुत ही आश्चर्य होगा, एक छोटी सी कंपनी कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। सितंबर 17 में जहां 42 करोड़ का टोटल सेल्स था, वहीं पर सितंबर 18 में 64 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल्स पहुंच गया, यानी वाईओवाई में बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्यूओक्यू में अगर जून 18 से बात करेंगे तो जून 18 में 45 करोड़ का ही सेल्स था, जबकि सितंबर 18 में 63.8 करोड़ का सेल्स पहुंच गया है। उसके अलावा अगर आप पीवीटी को देखेंगे तो जहां पर सितंबर 17 में 2 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था, वहीं पर अब सितंबर 18 में दुगने से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लगभग 4.68 करोड़ का। ओके, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जून 18 में जहां पर केवल 2.14 करोड़ का ही प्रॉफिट था, वहीं अब दुगने से भी ज़्यादा प्रॉफिट सितंबर 18 में इनको कंपनी ने अचीव किया है। नेट प्रॉफिट 3.42 करोड़, जबकि जून में केवल 83 लाख का था और लास्ट सितंबर में केवल 2.08 करोड़ का था। सो परफॉर्मेंस में मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कंपनी की, 0.10 से बढ़कर ईपीएस पिछले सितंबर से मुकाबले अब 50% बढ़ चुका है, ईपीएस 0.15 हो गया है, जबकि जून क्वार्टर में तो केवल 0.04 का ही ईपीएस था। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर टू गुड फॉर दिस स्मॉल पैनी कंपनी और मुझे लगता है कि पैनी स्टॉक्स में आपको इससे बेहतर स्टॉक नहीं मिल सकता। एक अच्छा फंडामेंटल बिजनेस ओन करते हैं ये लोग, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, इनके 3 टाइम के प्रोडक्ट रेंज है, 100% पॉलिस्टर स्पन यार्न बनाते हैं, 100% विस्कस स्पन यार्न बनाते हैं, पीवी ब्लेंडेड स्पन यार्न बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये इनका पूरा 3 तरीके के प्रोडक्ट रेंज है इनकी। इसके अलावा ये सूरत में बेस्ड है टेक्सटाइल मिल और इसकी जो मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो विलेज वैरली तालुका ये है पलसाना डिस्ट्रिक्ट सूरत, विलेज जोलवा तालुका पलसाना डिस्ट्रिक्ट सूरत एंड सर्वे नंबर 2285 विलेज खाडोली सिलवासा, ये सिलवासा खानवेल रोड सिलवासा में है। ये 3 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से फैसिलिटीज़ हैं जहां पर ये इन तीनों ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ओवरऑल इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं सूरत टेक्सटाइल्स लिमिटेड .com पर और आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको वीकली चार्ट पे इंडिकेशन भी बता देता हूं, यहां तक जो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है यानी कि जो एग्जिट स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो रहेगा 2.30 रुपीज़ का, यानी कि अगर इन एनी केस डेली वीकली या मंथली चार्ट पे 2.30 रुपीज़ के नीचे की क्लोजिंग आती है देन मेरी कॉल क्लोज हो जाएगी और आपका एग्जिट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एग्जिट पोजिशन को लेते हैं या नहीं लेते हैं। ओके, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का, नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे अपसाइड में 4 रुपये का टारगेट, एक बार 4 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग आती है देन जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 5 रुपीज़ का रहेगा,
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत समय मैनी टाइम्स ऐसा होता है जब पैनी स्टॉक्स में आप लोग मिस कर जाते हैं जो भी लेवल्स होते हैं उनको। तो स्टॉप लॉस एग्जिट स्टॉप लॉस कितना है 2 रुपीज़ 30 पैसा, उसके नीचे सेल, उसके बाद फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो लगभग 4 रुपीज़ का। एक बार 4 रुपीज़ के आसपास की क्लोथिंग आती है, 4 रुपीज़ के ऊपर की क्लोथिंग आती है, देन ये सेकेंड टारगेट के लिए जाएगा 5 रुपीज़ के। और एक बार 5 रुपीज़ के लेवल्स को इतना क्रॉस कर दिया अपसाइड डायरेक्शन के अंदर, देन इसका नॉन स्टॉप टारगेट रहेगा 7 रुपीज़ को, जहां पर आप इसको कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यानी कि जब 4 रुपये पर पहुंचेगा तो आप कुछ पार्शल प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं, उसके अलावा जब 5 रुपीज़ का टारगेट अचीव होगा तो थोड़ा और पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, एंड 7 रुपीज़ पर आप कंप्लीटली अपनी पोजिशन को क्लोज कर देंगे बिकॉज वहां पर ये टॉप मेंटेन करेगा और वहां से वापस रिवर्सल के पैटर्न में आ जाएगा और आपको वापस 3 रुपीज़ या 3 रुपीज़ के नीचे स्टॉक दोबारा से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये हमने बात की आपको 3 रुपए के स्पेनिश स्टॉक के बारे में, जो कि आपका पैसा अगले 6 से 12 महीने में ही दुगना कर सकता है। रिस्क केवल 1 रुपए का है। अगर आप बड़े मल्टी मेकर्स को देखेंगे तो रोज 50-60 रुपए के लॉसेस आपको काउंटर्स में हो रहे हैं, बट ये स्टॉक केवल 1 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको दुगना प्रॉफिट करने के, यानी आपकी जो वर्थ है, जो आपकी वेल्थ है, उसको दुगना करने की पूरी संभावना देता है दोस्तों। तो ये हमने बात की सूरत टेक्सटाइल के बारे में, 3 रुपए का पैनी स्टॉक। अगले वीडियो में जल्दी हम कुछ और अच्छे छोटे काउंटर्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आपका रिस्क बहुत लिमिटेड होगा बट रिवॉर्ड्स आपको दुगने से भी ज्यादा मिलने की पूरी संभावना रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल, और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस को देखना तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।